वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क पार्ट डिजाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं। ये पार्ट हम सिर्फ एक स्केच में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक 2D स्केच बनाएंगे, इसका डिफरेंट टेक्निक्स में बताऊंगा किस तरह हम एफिशिएंटली जो है वो एक स्केच बना सकते हैं इस पार्ट का, और उसके बाद इसको एक्सट्रूड कर देंगे और फाइनली जो थोड़े बहुत होल्स और रिब्स कमांड यूज करते हुए बाकी फीचर्स ड्रॉ करेंगे। तो सिर्फ एक स्टेप में हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है, तो देखते जाते हैं किस तरह हम ड्रॉ करते हैं। इसकी ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड की जा सकती है। इसको बनाने के लिए फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में जाएंगे और मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट करूंगा, फ्रंट प्लेन। यहाँ पे सर्कल से स्टार्ट लेते हैं, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनसाइड सर्कल की 28 मिलीमीटर और आउटसाइड सर्कल की मेरे पास 40 मिलीमीटर डायमेंशन है। उसके बाद मैं लाइन सिलेक्ट करता हूं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और उसके बाद इसी तरह का एक फीचर, अभी विदाउट एनी डायमेंशंस हम एक फीचर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको यहां पे लाके मैंने कोइंसाइड करना है। ओके, अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशंस देता हूं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस इसकी अगर हम देखते हैं, दिस लाइन इज 14 - 1.6, इस तरह भी हम डायमेंशन दे सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया 12.4। उसके बाद इस ओरिजिन से इस लाइन तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 24 मिलीमीटर। दिस लाइन इज 1.6 और उसके बाद ये वाली भी जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 1.6। इसकी हाइट हमारे पास 6 मिलीमीटर है। ओके, और इसके बाद ये वाली लाइन एग्जैक्टली इस लाइन के टेंजेंट में है। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस किया हुआ इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इनका रिलेशन टेंजेंट दे देते हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं सारी की सारी लाइंस हमारी ब्लैक हो चुकी है। अब यही फीचर हम कॉपी कर लेते हैं, तो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन के अबाउट और मैं इसी को मिरर कर लेता हूं। इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, और सिमिलरली सेंटर लाइन भी सिलेक्ट करते हैं और मिरर की कमांड को प्रेस कर देते हैं, तो हमारे पास यही फीचर जो है वो दूसरी तरफ भी मिरर हो जाएगा। ओके, जो अनवांटेड लाइंस है उनको मैं ट्रिम कर देता हूं ताकि हमारा जो शेडेड एरिया है वो थ्रू आउट विजिबल हो जाए। ओके, अब चलते हैं जो टॉप पे हमने इसके फीचर ड्रॉ करना है उसकी तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल से स्टार्ट लेता हूँ, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं और इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं, इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 14 मिलीमीटर। सो वर्टिकल डिस्टेंस इज 7.2. These lines should be symmetric about the center axis. Okay, तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीटली डिफाइंड है। इसमें भी हम कुछ लाइंस को ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब मैंने इसमें दरमियान में जो मेरे पास कट आउट था उसको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अगेन मैं रेक्टेंगल लेता हूं और रेक्टेंगल को यहां तक ड्रॉ कर लेता हूं। इसको भी हम सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर लेते हैं। सो ये तीन लाइंस सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल प्रेस रखना है और इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जब कंट्रोल उठाएंगे तो हम यहां पर रिलेशन दे देंगे मेक सिमेट्रिक, और ये वाली डायमेंशन दे देते हैं हम विच इज 2 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन है। अनवांटेड लाइंस अगेन हम ट्रिम कर लेते हैं
ओके okay, ये इस टाइम मेरे पास कम्प्लीटली डिफाइन है। ये हमारे पास ब्लू लाइंस ही हैं क्योंकि हमने इनकी लाइन जो वर्टिकल लेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर ही होगी जो हमारे पास बाकी फीचर की है। ओके तो ये हमारे पास इस टाइम कम्प्लीट है। इसको डायरेक्टली हम एक्सट्रूड कर देते हैं, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन जिसमें हमने एक्सट्रूड करना है दैट इज 28 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो हम दे सकते हैं ब्लाइंड की बजाय हम देंगे मिड प्लेन। उसकी रीजन ये होगी क्योंकि हमने कुछ रिप कमांड्स के जरिए इसके मिड में फीचर्स ड्रॉ करने हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको मिड प्लेन एक्सट्रूड करें 28 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो पार्ट का मोस्ट पार्ट का तकरीबन सारा हिस्सा जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो गया है। सिर्फ कुछ होल्स और रिप कमांड के जरिए फीचर्स रहते हैं। तो रिप कमांड यूज करते हैं, इसमें फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रहे कि दूसरी तरफ हमने लाइन अभी नहीं ड्रॉ करनी, हम एक वक्त में एक ही फीचर को रिप कर सकते हैं। तो एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फीचर्स में जाना है और रिप कमांड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड थिकनेस दे देनी है, सो रिक्वायर्ड थिकनेस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं दैट इज 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर इसकी थिकनेस देंगे, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ये इस टाइम कंप्लीट हो गया। इसी को हमने दूसरी तरफ बनाना है, तो मैं उसके लिए मिरर कमांड रिकमेंड करता हूँ। सो राइट प्लेन मिरर को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास यही फीचर जो है वो दूसरी तरफ भी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, फाइनली हमने होल्स ड्रॉ करने हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सो सेंटर लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस दे देते हैं टॉप से विच इज 3.6। इस सेंटर लाइन के ऊपर मैं अपने सर्कल्स ड्रॉ कर लूंगा, तीन सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं क्योंकि तीन होल्स हैं। सो सेंटर लाइन का और दरमियान वाले सर्कल का मैं रिलेशन डिफाइन कर देता हूं, मेक मिड पॉइंट। उसके बाद एक सर्कल की हम डायमेंशन दे देते हैं और बाकी तीनों सर्कल्स को इक्वल का रिलेशन दे देंगे। ये हमारे पास जो डायमेंशन है दैट इज 4 मिलीमीटर डाया इनका। और उसके बाद इन तीनों सर्कल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और तीनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन अनप्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ रही होगी, इसको मैंने इक्वल कर दिया। ओके, फाइनली इनकी पोजीशन सेट कर देते हैं। इनका आपस में जो डिस्टेंस है दैट इज 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर हम डिफाइन कर देते हैं इनका डिस्टेंस। ओके, फीचर्स में जाते हैं और एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और इनको थ्रू ऑल हम होल्स ड्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंड सेलेक्ट किया जा सकता है, थ्रू ऑल भी सिलेक्ट किया जा सकता है, क्लिक ओके तो मेरे पास ये वाले होल्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रिल हो जाएंगे। ओके, फाइनली सिर्फ मैंने इन फेसेस पे 4 होल्स ड्रिल करने हैं। तो ये स्केच सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सर्कल की भी डायमेंशन मेरे पास 4 मिलीमीटर है। और इस सर्कल का डिस्टेंस हमारे पास 5.5 मिलीमीटर है वर्टिकल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल के लिए मैं अगेन एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं
इसको कोइंसाइड करवा देते हैं सेंटर लाइन के साथ। ये दोनों तरफ से हो गई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ओवर डिफाइन हो रहा है हमारा स्केच। तो इसी पे ही हमने सेंटर लाइन के थ्रू ही हमने डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल में भी मेड है और वर्टिकल पे भी मेड है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट पर सिलेक्ट हो गया। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसको थ्रू ऑल हम एक्सट्रूड कट दे देंगे। ब्लाइंड भी दे सकते हैं, तो ब्लाइंड डायमेंशन ही इतनी ज़्यादा है तो ब्लाइंड भी दी जा सकती है। क्लिक ओके करेंगे और अब यही होल जो है मैंने बाकी चारों फेसेस पे भी ड्रिल करने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिरर में जाता हूँ और रिक्वायर्ड अपना जो फीचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके, तो मेरे पास यही चीज़ मिरर हो जाएगी। अगेन मैं अब दूसरी प्लेन में जाऊँगा विच इज़ राइट प्लेन, और राइट प्लेन के अबाउट इन होल्स को मिरर कर देंगे। तो दोनों होल्स मैं सिलेक्ट करूंगा, होल नंबर वन एंड होल नंबर टू। तो मेरे पास यही होल्स जो है वो दूसरी तरफ भी यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएंगे। ओके, ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है, इसको हम रिक्वायर्ड मेटल दे देते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा किस तरह हमने एक स्टेप पे सिर्फ हमने 2D स्केच बनाया है इसका, और उसके बाद उसी को एक्सट्रूड किया है, फाइनली होल्स और रिप कमांड के जरिए बाकी फीचर्स बनाए हैं। तो कितनी आसानी से हमने सबसे पहले रिक्वायर्ड शेप दे देनी है और उसके बाद हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।